हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो बेसिकली ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है अपना, उसका कंप्लीट रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जो ऑडिट सब्जेक्ट है पूरा, उसकी हर इम्पोर्टेंट बात जो अपने एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उसको मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवाऊँ। साथ में ये भी बताऊँ कि किन चीज़ों को आप ज़रूर से देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो ये एग्ज़ाम के लिए मैं हमेशा फर्स्ट डे से कह रहा हूँ मोस्ट रेलेवेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जब मैं आपको रिविज़न करवा रहा हूँ तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर कोई नोट्स है, कोई सोर्स किताब है जिससे आप पढ़ रहे हो ऑडिटिंग को, वो अपने पास में रखें और मेरे साथ याद करने की कोशिश करें उन चीज़ों को। तब आपका ये एक घंटा, आधा घंटा, जो भी टाइम आप इस वीडियो के अंदर अपना जो ड्यूरेशन है वो आपका वसूल होगा। हो सकता है पूरे वीडियो के अंदर एक घंटे में दो चार बातें ऐसी काम की हो जो एग्ज़ाम में उसी तरीके से पूछ ली जाए, 8-10 नंबर तक आपको सीधा सीधा फायदा हो सकता है। अगर आप पूरा रिविज़न मेरे साथ करते हो तो यकीन मानिए ऑडिट के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो बियॉन्ड इन चीज़ों के होगा, इसके बाहर से पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको अभी विश्वास नहीं होगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देख के आएंगे तब इस चीज़ की आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। उससे पहले, ये बेसिकली नया चैनल है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा एफर्ट इस लायक लगता है, तो हर किसी का ड्रीम होता है इस तरह की चीज़ों को करना, तो अपना वन एग्ज़ाम वो तो है, उस पर आपने खूब सारा प्यार दिया है। ये एक साइड में और है जिसके ऊपर मैं और इस तरह की चीज़ें शेयर करता रहूँगा एडिशनली अपने पर्सनल लेवल पे भी, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि नया चैनल है तो वीडियो उनके तक पहुँचे नहीं पहुँचे, आप कम से कम अपने एक दोस्त तक ज़रूर पहुँचाएं इसे। ये मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले ऑडिटिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जब पढ़ाया था ऑडिटिंग, तो उसके अंदर भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बड़ा जोर दिया था। वो इसलिए था क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आप पढ़ते हो तो इसके अंदर ऑडिट के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है ऑडिट के, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। बहुत कम चीज़ें बचती है फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अलावा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्ट ऐसे का नाम या नंबर ज़रूर मिलेगा, 2 नंबर 4 नंबर तो सीधे ही मान लीजिए आप, किसी ऐसे का नाम या उसका नंबर या सीधा उसके ऊपर से बेस्ड क्वेश्चन, 4 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। और यही होते हैं, देखिए 2-4 नंबर अगर आप बाकी को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा लेके आ जाते हो तो आप मेरिट में ऊपर आ जाते हो, नहीं तो आप नीचे रह जाते हो। मेरिट की बात भी मैंने आपको बताई है, 120 से 130 नंबर आप मिनिमम टारगेट मान के चलिए, जो बड़े आसानी से आ सकते हैं, बड़े आसानी से। किसी को लग रहा होगा कि मैं हर बार कह रहा हूँ आसान है आसान है, अगर ऐसा होता तो सब बन जाते, ऐसा नहीं है। सब लोग इतनी तैयारी करते नहीं है, पोस्ट देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं, तो वो फॉर्म भर देते हैं लेकिन एंड तक अपनी स्पिरिट को मेंटेन करके नहीं रख पाते। तो आप बस यही मान के चलिए कि आपको अगले 30 दिन अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखना है, अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको थोड़ा एक लेवल अप ही लेके जाना, उसको डाउन नहीं होने देना है, अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले ऐसे था, उससे पहले कुछ बेसिक बात हमने पढ़ी थी एसेज के बारे में, बताइए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका, IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसकी एक बॉडी है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिटिंग और अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसी से जुड़ी हुई भारत की संस्था है कौन सी, अपनी ICAI जो CA इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के अंदर AS और SA इश्यू करते हैं। AS होते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और SA होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, अंकेक्षण के मानक जो कहते हैं हम। आप अगर हिंदी मीडियम से है तो भी ये आपके लिए ही है वीडियो, ठीक है। कोई ऐसा मैं इसके अंदर बड़ी इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये जो मैं सोर्स यूज़ कर रहा हूँ ये इंग्लिश के अंदर है, उससे मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है। चलिए, तो उसी की एक बॉडी है AASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, क्या नाम है उसका, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB बोलते हैं। ये इंडिया में क्या करती है, अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स
इश्यू करती है, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा था ये दो तरह की बेसिकली स्टैंडर्ड इश्यू करती है, एक तो होता है वो जो अश्योरेंस सर्विसेज पे होता है, किस पे, अश्योरेंस सर्विसेज पे, और एक होता है रिलेटेड सर्विसेज पे। तो इस पे भी मैं डिस्कशन आपको क्विकली बताना चाहूँगा कि एक सीए जो होता है वो दो तरह की सर्विसेज दे सकता है। एक तो वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें किसी तरह का वो भरोसा दे रहा है अपने क्लाइंट को, क्या दे रहा है, भरोसा दे रहा है क्लाइंट को या किसी थर्ड व्यक्ति को, और एक होता है उसके अलावा जो अदर्स है उनको बोलते हैं अपन रिलेटेड सर्विस। तो अश्योरेंस का मतलब भरोसा देना। अब ये भरोसा किस पे दे सकता है, एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट पीएनएल होती है उसमें हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी पास्ट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसका अगर वो पूरा चेक कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसको हम ऑडिट के नाम से जानते हैं। अगर उसको थोड़ा बहुत देख रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिव्यू, क्या बोलते हैं, रिव्यू। एक होती है ऑडिट, एक होती है रिव्यू। ऑडिट के लिए होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है काम में जुड़ना, उसको बोलना एंगेज होना, ठीक है। फिर अगर हिस्टोरिकल के अलावा आप कुछ दे रहे हो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट पे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ओके। और रिलेटेड के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इन सब काम के अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो मैं एक बार क्विकली बताऊंगा कौन कौन से हैं। एक तो हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, भूलोगे नहीं, किसके लिए, ऑडिट के लिए। दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ये किसके लिए है, रिव्यू कर रहे हो आप, अगर आप मतलब ऑडिटर, मतलब जो सीए है वो। तीसरा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब अगर कोई प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है भविष्य की, उसके ऊपर ऑडिटर अपनी कोई रिपोर्ट दे रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, तो उसको बोलते हैं SEE, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड है, SEE। फिर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इसके अलावा बाकी कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो तो उसके लिए SRS, और इन सब के लिए SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। हमें पढ़ने कौन से, ऑडिट पढ़ रहे हैं हम, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, ऑन ऑडिटिंग। अब इसके अंदर क्या दे रखी होती है, सीरीज दे रखी होती है, ऐसे 200 सीरीज है, 300 सीरीज है, 400 सीरीज है, 500, 600 और 700, ये कोडिंग की गई है इनकी, ठीक है। एक नंबर पे क्या क्या है, तो ऐसा नहीं है एक से नहीं शुरू होती, ये 200 से ही शुरू होती है, एक से लेके, सॉरी 99 से ले, सॉरी एक से 99 और 101 से 200 तक कुछ भी ऐसी जारी नहीं किया गया। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ऐसे 200 सीरीज, सुनना बातों को ध्यान से अब, ठीक है। बताओ ऐसे 200 क्या था, ऐसे 200 क्या था, अच्छा सॉरी उससे पहले डेफिनेशन मैं भूल गया, इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार डेफिनेशंस को मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले बार बार शब्द आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताइए। तो जैसा इस शब्द से पता चल रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी बैलेंस शीट पीएनएल, ये जो फाइनेंशियल, इसका फ्रेमवर्क यानी दायरा, कहने का मतलब ये है कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो ये बताते हो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, बैलेंस शीट कैसी होगी, पीएनएल कैसा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होगा, उसमें AS लगाने चाहिए, NDAs लगाने चाहिए, तो ये जो भी चीज़ बता रही है ना उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और हमारी कंपनी पे जो लग रहा है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये कौन चूज करता है कि हमारे ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क लग रहा है, तो देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंपनी का मैनेजमेंट, तो वही चूज करेगा कि हमारे ऊपर Schedule 3 लग रहा है कंपनीज एक्ट का। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए करेगा, अगर बैंकिंग कंपनी है तो वो बैंकिंग कंपनी का जो शेड्यूल है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दे रखा है उसको अडॉप्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो वो अपने हिसाब से, सब अपना अपना फ्रेमवर्क चूज करेंगे, ठीक है, और सही फ्रेमवर्क चूज करेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम कहें कि फ्रेमवर्क जो किसने अडॉप्ट किया, किसने स्वीकार किया, मैनेजमेंट ने या दो चार्ज विथ गवर्नेंस ने, ये शब्द क्या है अभी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, दो चार्ज विथ गवर्नेंस, किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जो भी फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया किसके लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये मैनेजमेंट क्या मर्जी से कुछ भी फ्रेमवर्क ले सकता है, नहीं, तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेता है वो, एक तो एंटिटी का नेचर कैसा है,
हमने कहा कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइज जैसा भी है उसके हिसाब से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्यों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट खुद की ज़रूरत के लिए बना रहा है तो हो सकता है उसको शेड्यूल थ्री की ज़रूरत ना हो, सिर्फ बैंक से लोन लेने के लिए बना रहा है तो अलग है, और जनरल पब्लिक के लिए बना रहा है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल थ्री के हिसाब से होने चाहिए, या तीसरा किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो दोबारा से ये शुरुआत में थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ेगी, है ना। आप ऐसा मत समझिए इस हिसाब से तो 6 घंटे लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एंटिटी के नेचर को, उसके रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को क्यों कर रहा है, और लॉ की रिक्वायरमेंट को। ओके, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, तो देखिए हर वो चीज़ जो ऑडिटर काम में लेता है, कहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने ओपिनियन तक पहुँचने के लिए। देखिए ऑडिटर आता है, वो कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उसका नतीजा होता है क्या, कुछ उसको एविडेंस सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के आधार पे वो कंक्लूजन पे पहुँचता है, निष्कर्ष पे पहुँचता है, और उस निष्कर्ष के आधार पे वो अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस का मतलब हर वो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है, कहाँ तक पहुँचने के लिए, कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, या यूँ कह सकते हैं जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है उसका जो रिजल्ट है, ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहा है उसका जो नतीजा है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑडिट एविडेंस। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। मैनेजमेंट से आपने कुछ पूछा, कन्फर्मेशन चाहा, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑडिट एविडेंस है, ठीक है। अब जो ऑडिट एविडेंस है वो कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। हम जानते हैं क्या सफिशिएंट का मतलब होता है, क्वांटिटी वाइज, कि जो एविडेंस सबूत इकट्ठे कर रहा है क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट होने चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी वाइज वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप कहोगे एविडेंस के अंदर कैसी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी, तो देखिए कभी कभार एक एविडेंस ही सबूत सफिशिएंट होता है, कभी कभार 10 एविडेंस भी लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी का मतलब अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या किसी थर्ड पार्टी से आप कंफर्म कर रहे हो तो वो ज़्यादा क्वालिटी वाला है, वहीं अगर कोई फोटोकॉपी है या डुप्लीकेट है तो वो कम भरोसे लायक है। जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री देखनी है, आपने ओरिजिनल देख ली रजिस्ट्री तो वो अपने आप में क्वालिटी वाला एविडेंस है, एक ही काफ़ी है। डुप्लीकेट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी एविडेंस जुटाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आप कोई डेटर के बारे में जानना चाह रहे हो, कंपनी की बैलेंस शीट में एक डेटर आ रहा है मिस्टर ए, ठीक है, 1 लाख रुपए, आप चाहते हो वो 1 लाख रुपए को आप चेक करो सही है या नहीं, अपने डायरेक्टली उस डेटर से ही पूछ लिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो वो अपने आप में क्वालिटी है। वहीं आपने मैनेजमेंट से पूछा तो मैनेजमेंट तो हो सकता है झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस में क्वालिटी कम होती, एक्सटर्नल ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, आगे और डिस्कशन में ये चीज़ आएगी। तो ये हो गया ऑडिट एविडेंस। फिर ऑडिट रिस्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए ऑडिट रिस्क हमने क्या कहा था, रिस्क किस बात की, कि जो ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है वो कैसा दे रहा है, गलत ओपिनियन दे रहा है। जब मैं कह रहा हूँ गलत ओपिनियन, तो गलत ओपिनियन का ये मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे उनमें गड़बड़ थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या थी, गड़बड़ थी, लेकिन ऑडिटर ने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर को लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, ऑडिट रिस्क है, ऑडिट को करने की रिस्क है ये, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन उसको चांसेस ना के बराबर है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऑडिटर कह दे कि वो गड़बड़ है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो कह रहा है गड़बड़ है तो उसको सबूत देने पड़ेंगे कहाँ गड़बड़ है, जब एक्चुअल में गड़बड़ है ही नहीं तो सबूत उसको मिलेंगे ही नहीं। ओके, तो ऑडिट रिस्क का मतलब द ऑडिटर गिव्स इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन When the financial statement are materially misstated, financial statement क्या है, materially misstated है। अब एक शब्द मैं वापस से बता देता हूँ, ये materially misstated क्या होता है, हम बार बार पढ़ रहे हैं materially misstated क्या मतलब है इसका। देखिए misstatement का मतलब होता है क्या, misstatement का मतलब होता है कोई गलती, ठीक है, कोई गलत सूचना दिखाई गई है, प्रदर्शित की गई है। अब गलत सूचना अलग अलग तरीके की हो सकती है, ये अमाउंट को लेके भी हो सकती है, कहीं 10,000 दिखाना था उसकी जगह 1 लाख कर दिया, 1 0 ज़्यादा लगा दिया। प्रेजेंटेशन को लेके भी हो सकती है, करंट असेट को नॉन करंट असेट में दिखा दिया, नॉन करंट को करंट में दिखा दिया। डिस्क्लोजर को लेके भी हो सकती है, कोई डिस्क्लोजर देना था आपने नहीं दिया, क्या होता है
और क्लासिफिकेशन को लेके भी हो सकता है, ACPD, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। क्लासिफिकेशन कैसे, रेवेन्यू था उसको आपने कैपिटल की तरह दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको पूरा PNL में चार्ज कर दिया। तो ये चार तरह की गड़बड़ें हो सकती है, सिर्फ अमाउंट में ही गड़बड़ नहीं हो सकती, प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी हो सकती है और क्लासिक। तो इनमें अगर कोई गलती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, मिस स्टेटमेंट। अब छोटा मिस स्टेटमेंट है, कोई छोटी सी भूल है, छोटी सी गलती है, तो उसके लिए आप ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन पूरा चेंज नहीं करेगा। तो ऑडिटर कब करेगा, जब वो क्या है, मटेरियल है, मतलब अपने आप में शारमान है, अपने आप में बड़ी गलती है। ओके ठीक है, तो ऑडिटर इसका मतलब ऑडिटर क्या दे रहा है, गलत ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिस स्टेटेड है। अब ये जो दो चीज़ों से मिलके बनती है ये ऑडिट रिस्क, जब दो रिस्क मिलती है तो ये रिस्क बनती है। पहली रिस्क है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और दूसरी है डिटेक्शन रिस्क। ओके कैसे, अभी समझते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसका मतलब होता है क्या, कि जो ऑडिटर है ऑडिट करने से पहले, ऑडिटर का ऑडिट करने से पहले, ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, इस रिस्क को क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके बात समझ आई, ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ये दो चीज़ों से मिलके बनती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब कोई भी आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके अंदर इनहेरेंटली, मतलब उसके ऊपर कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स आप ना लगाओ। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है, सुरक्षा चक्र होता है, मैनेजमेंट लगाता है कि कोई गड़बड़ ना हो। अगर उसके ऊपर से सारे कंट्रोल हटा दिए जाए तो वहाँ गड़बड़ होने के क्या चांसेस है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए, मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। कंट्रोल लगाने के बाद भी वहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब जो आपके कंट्रोल है वो फेल कर जाएंगे, क्या करने में, प्रिवेंट करने में, मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में, तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल रिस्क। और जब ये दोनों रिस्क मिल जाती है, मतलब देखिए कोई आइटम था उसके ऊपर कंट्रोल नहीं थे तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस थे, कंट्रोल लगाए लेकिन वो कंट्रोल भी फेल हो गए, गड़बड़ होने को रोक नहीं सके, मिस स्टेटमेंट को रोक नहीं सके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ, मटेरियली मिस स्टेटेड हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अभी ऑडिटर नहीं आया, अब ऑडिटर चेक करेगा और ऑडिटर चेक करते वक्त भी उसको भूल गया, उसको पकड़ नहीं पाया मिस स्टेटमेंट को, इसको बोलते हैं क्या, डिटेक्शन रिस्क। मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, अब वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ये क्या बन जाएगी, ऑडिट रिस्क। कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाया, ऑडिटर को लगा सब कुछ सही है, उसने ओपिनियन क्या दिया, सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो ये क्या है, ऑडिट रिस्क। बात समझ आई, ओके। ऑडिट रिस्क दो चीज़ों से मिलके बनती है, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क, ठीक है, सॉरी ऑडिट रिस्क दो से बनती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीज़ों से मिलके बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस स्टेटमेंट मैंने बता ही दिया, कोई भी गलती कैसे पता करोगे, तो कोई अमाउंट, कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्रेजेंटेशन या कोई डिस्क्लोजर जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता है वो, और कोई अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो एक्चुअल में आपने दिखाया है, इन दोनों में अगर कोई फ़र्क है तो वो अपने आप में क्या है, गलती है। जैसे कोई अमाउंट आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ होना चाहिए था लेकिन आपने कुछ और दिखा दिया, कोई क्लासिफिकेशन रेवेन्यू होना चाहिए था आपने कैपिटल दिखा दिया, कोई प्रेजेंटेशन कहीं और दिखाना था कहीं और प्रेजेंट कर दिया, कोई डिस्क्लोजर देना था आपने नहीं दिया एक्चुअल में, तो अगर इन दोनों में फ़र्क है इसका मतलब वो अपने आप में गलती है। ओके ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, ऑडिट के दौरान ऑडिटर जो भी जजमेंट लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वो सब क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं, कोई भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन। दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं,
तो देखिए, एक तो होता है मैनेजमेंट, जिसकी ड्यूटी होती है क्या, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, मतलब काम को एग्जीक्यूट करना। और दो, चार्ज विद गवर्नेंस, वो होते हैं, एक सब ध्यान रखना, ये कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मतलब कंपनी को एक दिशा देते हैं कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। अब कैसे बढ़ना है, उसको एक्चुअल में कैसे बढ़ाया जाएगा, ये काम किसका है? मैनेजमेंट का। कभी कभार कंपनी में दो चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट एक भी हो सकते हैं, दोनों एक भी हो सकते हैं। ओके, जैसे रिलायंस की बात करोगे तो मुकेश अंबानी ही एग्जीक्यूटिव है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है, प्लस वो दो चार्ज विद गवर्नेंस भी है। कई बार जो ऑडिट कमेटी होती है कंपनी की, वो होती है क्या? दो चार्ज विद गवर्नेंस। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानते हो आप क्या होता है? बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, प्लस जो रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स या जो डिस्क्लोजर्स है इसका पार्ट, वो सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या? एक स्ट्रक्चर तरीके से रिप्रेजेंटेशन किसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ओके, मैनेजमेंट हम जान गए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है बताओ? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब इससे जुड़े हुए मैं दो तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक आपको कन्फ्यूजन भी होगा, ऑडिट फाइल क्या होती है, करंट ऑडिट फाइल क्या होती है, ऑडिट मेमोरेंडम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई एमसीक्यूज देखे होंगे, तो अभी इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, तीन चीज़ें, जो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, जो जो उसने ऑडिट के दौरान प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो नतीजे मतलब एविडेंस ऑप्टेन किए, और जो कंक्लूजन पे पहुंचा, इनका जो रिकॉर्ड होता है ना, जो जो उसने काम किया, इसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। या यूँ समझ लीजिए, ऑडिटर ऑडिट के दौरान जो भी काम कर रहा है उसकी एक हिस्ट्री लिखता जाता है कि पहले हमने ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये पूरा क्या कहलाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और ये ऐसे बोलता है, ऐसे 230 बोलता है कि ऑडिटर को ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना कंपलसरी है, उसको हर हाल में बनाना है। क्यों? आपका सवाल होगा क्यों? तो सबसे पहले ऑडिट को इफेक्टिवली प्लान एंड परफॉर्म करना। देखिए, लिख के नहीं करेगा तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, और कुछ मिस भी हो सकता है, कोई एरिया छूट भी सकता है, तो वो प्रॉपर प्लान कर सकता है, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज़, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, कौन सा काम किसने किया। जैसे 10 लोग मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, ये वाला एरिया किसने चेक किया, अगर ये चीज़ लिखी हुई होगी, डॉक्यूमेंटेड होगी, तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी आएगी अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो। फिर रिव्यू में हेल्प करता है। देखिए, ऑडिट का, ऑडिट की जो टीम है, जैसे 10 लोग हैं, ध्यान रखना ऑडिटर में हमेशा सीए ही नहीं होता, उसके साथ उसके ऑडिट असिस्टेंट भी होते हैं। जैसे 5 असिस्टेंट है, 1 सीए है, तो वो पाँचों काम कर रहे हैं, सारा काम सीए तो कर नहीं रहा है, लेकिन उसने एक हफ्ते काम किया, अब वो ऑडिटर जाके, सीए जाके क्या करेगा, उनके काम को रिव्यू करेगा, तो वो दोबारा से वाउचर तो चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ऑडिटर जो उन्होंने टीम में बनाए हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा कि अच्छा आपने ये काम किया, ये किया। उसको पूरा रिव्यू में हेल्प मिलेगी, प्लस ये हेल्प करता है फ्यूचर ऑडिट में, भविष्य में अगर हम कोई ऑडिट करने जा रहे हैं इसी तरह की एंटिटी या नेक्स्ट ईयर इसी कंपनी की, तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हेल्प करता है आपको कि किस तरीके से आपने लास्ट ईयर ऑडिट प्लान की थी, कहाँ कहाँ रिस्क ज़्यादा था, कहाँ खतरा ज़्यादा था, कहाँ फ्रॉड था, कहाँ मिस स्टेटमेंट था। ठीक है, चलिए, ऑडिट फाइल क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे 230 में रीजनेबल अश्योरेंस, ये एक सवाल पूछा जा सकता है, ऑडिटर कैसा अश्योरेंस देता है बताओ। चार ऑप्शन दे दिए, एक होता है 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस, मतलब वो सर्टिफाई करके देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं। दूसरा लिमिटेड, उसने कहा भाई हमने देख लिया, बाकी हम खास कुछ नहीं कह सकते, ठीक ही लग रहा है। तीसरा होता है रीजनेबल, और चौथा नन ऑफ अबो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑडिटर 100% कभी भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है, उस वजह से ऑडिटर कभी ये सर्टिफाई नहीं कर सकता 100% सही है। दूसरा लिमिटेड अश्योरेंस वो दे नहीं सकता, लिमिटेड अश्योरेंस देते ही उसको ऑडिट नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिलेटेड सर्विस बोलेंगे। तो वो कैसा देता है? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब वो मैक्सिमम लेवल का अश्योरेंस जो एक ऑडिटर भरोसा दिला सकता है कि भाई जैसे हमने सब कुछ देख लिया, हमें सब कुछ सही लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 100% हमने चेक किया है। ओके,
तो इसको बोलेंगे हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, मतलब 100% भी नहीं और कम भी नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसको बोलते हैं? सतर्कता, ऑडिट के दौरान क्या रहना, विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना, मतलब ये भी नहीं कि हर चीज़ पे शक करे कि यहाँ गड़बड़ है। ऑडिटर हमेशा मान के चलता है क्या कि सब कुछ सही हुआ है, वो ये मान के ऑडिट नहीं करता कि गड़बड़ है, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि अगर उसको कहीं भी कुछ इंडिकेटर ऐसे मिलते हैं कि गड़बड़ होने की संभावना है तो वो तुरंत वहाँ क्या करेगा, इनडेप्थ एनालिसिस करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, स्केप्टिसिज्म, मतलब सतर्कता, अलर्ट रहना, ये ऑडिटर का एटीट्यूड होता है ऐसा। ओके चलिए अब शुरू करते हैं अपना ऐसे फटाफट क्विकली ऐसे 200। सबसे पहले नाम भूलना मत, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, ऑडिट के नहीं, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव और एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिट को कंडक्ट करना, ये ऐसे बड़ी सिंपल सी है, दो तीन बातें बताता है। सबसे पहले ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है या ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ इस लाइन के अंदर आपकी पूरी ऑडिट के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, वो जो ऑडिट कर रहा है पूरी, इसका मकसद क्या है, सुनना। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, क्या ऑब्टेन करना, रीजनेबल, अभी हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो मिलता नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस किसके बारे में, अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पीएनएल उसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना, किस चीज़ को लेके, एज वेदर दे आर होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री, मुक्त है या नहीं, जो किस वजह से हो सकता है, फ्रॉड की वजह से या एरर, या जानबूझ के या गलती से, फ्रॉड मतलब जानबूझ के, एरर मतलब गलती से। एंड इनेबलिंग द ऑडिटर, ताकि ऑडिटर क्या कर सके, उस पर ओपिनियन दे सके, रीजने, समझ आया ऑब्जेक्टिव क्या करना, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना, किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, किस चीज़ का अश्योरेंस कि वो जो है वो फ्री है या नहीं, किससे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, जो हो सकता है फ्रॉड और एरर की वजह से, और ये कार्य करके क्या कर सके, वो ओपिनियन दे सके। ओके, दूसरी चीज़ क्या करना, उसको ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो उसने ओपिनियन दिया है, जो कंक्लूजन पहुंचा है, उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना, पहुंचाना अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, किसके अकॉर्डिंग, जो एसेज बताएं उन एसेज के अकॉर्डिंग क्या करना, रिपोर्ट देना। तो हम एसेज में पढ़ते हैं वो तीन तरह के ओपिनियन देता है, चार तरह के, डिस्क्लेमर, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, जो भी अपन पढ़ेंगे वो, ठीक है, तो वो ओपिनियन देना इस एसेज के अकॉर्डिंग, इन एसेज के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये ऐसे बोलता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज़ एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को ये फॉलो करनी ही करनी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्या है ऐसी रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक तरीके से निष्पक्ष होना, ऑब्जेक्टिवली काम करना, जो सही है जो सही, गलत है जो गलत, किसी से प्रभावित नहीं होना। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, एक तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद सोच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और इंडिपेंडेंट लगना भी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे होने और लगने में क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करे। और कॉम्पिटेंस मतलब होशियार होना चाहिए, टेक्निकली पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए टैक्स का, ऑडिट का, अकाउंटिंग का, तभी तो ऑडिट कर पाएगा। तो पहली चीज़ क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट, उसको फॉलो करनी है। पांच एथिकल रिक्वायरमेंट है, भूलोगे नहीं, पहला ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा इंडिपेंडेंस, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा कॉम्पिटेंस। ओके नेक्स्ट, दूसरा उसको क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब सतर्क रहना है, ठीक है रह जाएंगे। चौथा जहाँ जहाँ जरूरत पड़े प्रोफेशनल जजमेंट लेना है, निर्णय ठीक है ले लेंगे। चौथा ऑडिट एविडेंस और रिस्क को क्या करना है, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने हैं और रिस्क को कम करना है। क्या रिस्क को ज़ीरो किया जा सकता है, बताओ, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो, क्या ये संभव है कि ऑडिटर ऑडिट रिस्क को ज़ीरो कर दे। तो पहला सवाल तो आएगा ऑडिट रिस्क होती क्या है, अभी मैंने बताया कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड, बताओ क्या ऐसा संभव है,
तो वो जीरो नहीं कर सकता। क्यों? हमेशा कुछ चांसेस रहेंगे कि ऑडिटर सारी चेकिंग नहीं कर पाता, इतना समय नहीं होता, उसके बाद इतनी कॉस्ट नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता। ऑडिटर होता है वो ऑडिट करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तो ये कुछ लिमिटेशन होती है। इसीलिए हमने कहा वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, 100% सर्टिफाई नहीं कर पाता। इसका मतलब वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, रिस्क को ज़ीरो नहीं, कुछ रिस्क तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसको ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे लाने की कोशिश जितना कम हो सके उतना करना। और लास्ट चीज़ बोलता है एसेज को फॉलो करो। एक चीज़, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ऑडिट को गवर्न करने वाले कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताओ, तो इनको आप पढ़ लेना एक बार ज़रूर। नेक्स्ट चीज़, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210 ये कहता है, हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव और ऑडिटर की मेन ड्यूटी पढ़ ली कि भाई उसको एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, अलर्ट रहना है, प्रोफेशनल जजमेंट लेने हैं, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ऑडिट रिस्क को कम करना और एसेस को फॉलो करना। 5 रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी ऐसे 200 की। अब हम ऑडिट शुरू करने जा रहे हैं। ये देखिए एसेस की पूरी थीम है, मतलब ऐसे 200 सीरीज जो पूरी है वो बेसिक बातें करेगी, शुरुआती ऑडिट, ठीक है, फिर 300 और ये प्लानिंग की बात करेगा, फिर 500 जो है वो ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस की बात करेगा, और 700 पे जाते जाते हम रिपोर्ट देंगे। मतलब ये पूरी ऑडिट यहाँ से शुरू करते 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 हम 700 तक पहुँचेंगे। अब ऐसे 210 बात करता है क्या कि ऑडिट की शर्तों को पहले क्या कीजिए, एग्री कीजिए, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ऐसा क्यों करना है? देखिए आप कोई भी काम कर रहे हो, पहले शर्तें क्लियर नहीं होगी तो आगे जाके क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ हमारे लिए जानने लायक एक ही बात है कि प्री कंडीशंस, मतलब कुछ पूर्व शर्तें हैं, ये मौजूद होनी चाहिए। ये प्री कंडीशंस आपको देखनी है ऑडिटर को, क्या सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब कंपनी है उसको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, वो शेड्यूल 3 ही नहीं फॉलो कर रही है, बताओ क्या ऐसी ऑडिट ऑडिटर को करनी है, स्वीकार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों? देखिए ऑडिटर चेक किससे करता है आप बताओ। आप मान लो चेक करने गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके दिमाग में कुछ तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि भाई ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा है, अगर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप कहोगे गड़बड़ है। तो आपके पास एक बेस होना चाहिए, ये बेस कौन देता है? आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये बेस ही गलत है, कंपनी ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज़ किया है वही गलत है, वही स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसी ऑडिट करने का कोई मतलब नहीं। तो प्री कंडीशन मतलब ये पूर्व शर्तें ऑडिटर को देखना है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। पहली चीज़ क्या, आपका FRF वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो स्वीकार करना चाहिए क्या अपनी जिम्मेदारी, किस चीज़ के लिए, कि वो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं ऑडिटर को कह दे आप ही बना दीजिए। दूसरा, वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा। इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? फ्रॉड और एरर्स को कम करने के लिए। तीसरा, वो ऑडिटर को देगा क्या, एक तो एक्सेस, जहाँ चाहे वो जो कागज चेक कर सकता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, पूछताछ भी कर सकता है एम्प्लॉय से, और बाकी कोई भी अदर रिकॉर्ड्स है उनका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, बिना रोक टोक के वो चाहे जो चेक कर सकता है। ओके, तो ये दो बातें भूलोगे नहीं, ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या देखना है बताओ, कि प्री कंडीशंस है या नहीं। इसका दूसरा नाम होता है ऑडिट प्रिमाइज। प्रिमाइज मतलब एक तरीके से जो नींव होती है ना ऑडिट की, वो ये नींव है, प्रिमाइज है, ये आधार है जिसके ऊपर पूरी ऑडिट टिकी हुई है। अगर ये आधार ही नहीं है तो ऑडिट हो ही नहीं सकती। तो ये प्री कंडीशंस क्या है, पहली तो जो FRF है वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता है, पहला तो किसके लिए बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा, कि वो इंटरनल कंट्रोल्स उसने लगाए हैं। तीसरा, वो ऑडिटर को क्या देगा, सारे रिकॉर्ड, सारी जानकारी, कोई उसको और इन्फॉर्मेशन पूछताछ करनी है सारी चीज़ें देगा। दूसरी चीज़ यह ऐसे बोलता है, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये चीज़ अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, एक लेटर ऑफ इंगेजमेंट लिखेगा। क्या लिखेगा? लेटर ऑफ इंगेज, एक पत्र लिखेगा कि भाई ये शर्तें हैं, इस पर ऑडिट शुरू कर रहे हैं, और मैनेजमेंट उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दोनों में जो वही समझ है उसको लिखा पड़ी हो जाए। ओके, क्या इसमें कोई चेंज किया जा सकता है फिर इन चीज़ों में? तो देखिए, चेंज
अगर आपसे पहले करवाया जा रहा है, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो ये ऐसे बोलता है आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, इनमें कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करना है, अनलेस किसकी रिक्वायरमेंट हो, लॉ की रिक्वायरमेंट हो कि भाई आपको कम स्कोप के साथ भी ऑडिट करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इसको चेंज करने में दिक्कत क्या है, तो अगर इसको चेंज किया तो ऑडिटर का स्कोप जो है ना वो कम हो जाएगा, स्कोप यानी दायरा, मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा है कि उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, कल को ऑडिटर कुछ पूछने गया उसको मना कर दिया, अब बताओ क्या करेगा, वो इन्वेंट्री चेक करना चाह रहा है लेकिन उसको बोल दिया ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इन्वेंट्री को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एग्री करेगा पहले मैनेजमेंट, तो फिर वो मना नहीं कर सकते। ओके, बाद में तो चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर 220 है क्वालिटी कंट्रोल, ये सिर्फ एक ही बात बोलता है ऑडिटर को या जो ऑडिट फर्म है, सीए फर्म है, उसको क्या करनी है, अपने सारे काम में क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उसको अपने फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए जो ऑडिट सीए फर्म है उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना चाहिए, मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम इस तरीके से अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ओके, जैसे कि 5 आर्टिकल के ऊपर एक सीए काम करेगा, ठीक है, हम वही ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे जिसके बाद हमारे पास कम से कम इतना अनुभव हो, इस तरीके से अपनी एक पॉलिसी बनाए ताकि वो अपने काम में क्या दे सके, क्वालिटी दे सके। ओके, नेक्स्ट ऐसे 230 बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन, अभी हमने पढ़ा, ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किए, एविडेंस जो उसने इकट्ठे किए और कंक्लूजन पे जो पहुंचा, इन तीनों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट। दोबारा से, ऑडिट प्रोसीजर्स जो उसने परफॉर्म किए, एविडेंस जो कलेक्ट किए और कंक्लूजन जो पहुंचा, तीनों का रिकॉर्ड मतलब जो उसने लिखा वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। क्यों करता है, मैंने बताया, प्लान परफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, सुपरविजन, फ्यूचर ऑडिट और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए। कब करना चाहिए, नॉर्मली ऑडिट के दौरान करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है कि जो ऑडिट के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। फिर एक ये क्वेश्चन बनता है, SQC1 कहता है कि आपको ऑडिट कंप्लीट होने के 60 दिन के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करके एक फाइल में बंद कर देना चाहिए, फिर उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। कितने दिन में, 60 दिन में, ठीक है। कितने साल तक मेंटेन करना है इसको, 7 ईयर्स तक। कितने साल तक, 7 साल तक। नेक्स्ट सवाल, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो 100% ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मान लिया, क्लाइंट का कहना है ये तो हमारे ही रिकॉर्ड है, आप हमें दे दीजिए, तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की। ऑडिटर अपने चाहे तो अपनी मर्जी पे इसकी कॉपी किसी को भी अवेलेबल करवा सकता है, प्रोवाइडेड दो चीज़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी गोपनीयता ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दूसरा जो उसने ऑडिट का काम किया उसका महत्व उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या मैटर उसको रिकॉर्ड करने हैं नॉर्मली, तो मैं बता देता हूँ, देखिए जो ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए, NTE मैंने बहुत बताया होगा आपको पहले भी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, किस हद तक आपने परफॉर्म की, ठीक है। जैसे हमने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन किया, किसके लिए, क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए, तो नेचर क्या था, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। टाइमिंग क्या थी, तो हमने ईयर एंड पे किया इसको कन्फर्मेशन। एक्सटेंट क्या थी, मतलब किस हद तक, तो हमने कहा हमने 1,00,000 रुपये से ऊपर के जितने भी क्रेडिटर्स थे सबको किया, 50,000 से 1,00,000 के बीच वाले 50% को हमने रेंडमली सेलेक्ट करके एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ली, 50 से कम वालों में हमने सिर्फ 10% लोगों को सेलेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है। तो पहली चीज़ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका रिजल्ट, नतीजा क्या मिला, वो भी रिकॉर्ड करना है। और तीसरा, ऑडिट के दौरान और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है तो उसको रिकॉर्ड आपको करना है। ओके, क्या इन ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी, क्या इनको मॉडिफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंटेशन को, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार 60 दिन हो गए, ये फाइल कर दिया 60 डेज में, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई एडिशन, कोई डिलीट करना, कोई करेक्शन करना, कुछ नहीं। अगर करता है कोई तो आपको कारण लिखना होगा साथ में कि ये कब किया गया, किसने किया और क्यों किया। ओके, अब दो बातें इंपॉर्टेंट, देखिए मैं कह रहा था, एक तो ऑडिट फाइल क्या होती है, बताओ
ऑडिट फाइल क्या होती है बता, तो पढ़े। इट मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर, एक या उससे ज़्यादा फोल्डर या कोई स्टोरेज मीडिया, मतलब फिजिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, कुछ भी, या कोई फाइल जिसमें रिकॉर्ड है किसके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के। अब ध्यान रखना, देखिए ऑडिटर के पास एक बड़ा सा बक्सा है मान लो अपने ऑफिस में रखा हुआ, उसमें ए लिमिटेड कंपनी की जो ऑडिट की उसके डॉक्यूमेंटेशन भी है, बी लिमिटेड की उसके भी सील, सारी कंपनी के इस बक्से में रखे हुए हैं। बताओ कि इसको हम ऑडिट फाइल बोलेंगे क्या? नहीं। ऑडिट फाइल किसको बोलते हैं? किसी स्पेसिफिक एंगेज, मतलब ए लिमिटेड कंपनी का जो ऑडिट था इसकी जो पूरी एक फाइल बनाई हुई है या पूरा बक्सा बनाया हुआ है या पेन ड्राइव है या जो भी है जिसके अंदर इस एंगेजमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा रखा गया, उसको बोलते हैं क्या हम? ऑडिट फाइल। नेक्स्ट एक होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। नाम सुनना दोनों, कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। समरी से आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्ट फॉर्म में होगा कुछ, देखते हैं क्या होता है। देखें, ऑडिटर मे कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट के रूप में क्या, अ समरी, एक समरी जिसको बोलते हैं हम कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो क्या बताता हो, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस, दो चीज़ें। देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन तो मेंटेन कर ही रहा है, फिर उसको ऑडिट फाइल में रख रहा है 60 दिन के अंदर जो हमने पढ़ी ऑडिट फाइल। इसके अलावा एक ऑडिटर ये भी मेंटेन कर सकता है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी या उसको बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम, जिसमें दो चीज़ें होगी, एक तो सिग्निफिकेंट इश्यूज जो अराइज हुए ऑडिट के दौरान मेन और वो कैसे सॉल्व किए गए, कैसे उनको एड्रेस किया गया, रिजॉल्व किया गया, ये हेल्प करता है ऑडिटर को फ्यूचर में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स आए वो, ओके, जैसे ये रिव्यू इंस्पेक्शन इनमें हेल्प करता है। अच्छा एक एमसीक्यू इस पर बन सकता है, सुनना, आपने सब सुना होगा असर्शंस, इसको प्रनाउंस करने का अलग अलग तरीका है, मैं साधारण हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए इसी तरीके से बोल रहा हूँ असर्शन। ये क्या होता है, देखिए असर्शन का मतलब होता है, देखिए कोई एक आइटम समझ सकते हो आप, कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम समझ सकते हो, अब उसमें गलतियाँ किस किस तरीके की हो सकती है, तो देखिए चार तरह की गलतियाँ हो सकती है, सुनना ध्यान से, ये चारों ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ एग्जिस्टेंस, दूसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तीसरा कंप्लीटनेस और चौथा वैल्यूएशन। ये चार चीज़ें देखनी है, इन चारों में गलती हो सकती है। एग्जिस्टेंस मतलब जो बैलेंस शीट डेट है उस दिन असेट और लाइबिलिटी जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब उसकी ओनरशिप जो है वो कंपनी के नाम पे है या नहीं, या कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है या लीज पे तो नहीं ले रखी है, जो भी है वो चेक करना। नेक्स्ट कंप्लीटनेस मतलब जो भी उसके रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो कंपनी के पास कंप्लीट है, प्लस जो असेट हमारे पास है सारे कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, सारी लाइबिलिटी कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट वैल्यूएशन, जिस वैल्यू पे वो दिखाया जा रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। ओके, तो असर्शन भूलोगे नहीं, चार चीज़ें, पहला एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद है या नहीं, राइट्स ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। ऐसे 240 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके, फ्रॉड को लेके। ये नाम को लेके बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको पूरा रटवा दूंगा वापस एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। 240 किसको लेके बात करता है, फ्रॉड को लेके। थोड़ा मैं स्पीड धीरे धीरे फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, देखिए अगर एक की बजाय दो घंटे भी लगते हैं तो ऑडिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 100%, इतना मेरा अश्योरेंस है। इस वीडियो के बाद आपको एग्जाम में एक भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मान के चलिए, जो चीज़ें आएगी ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम इन्हीं में से आएगी, इनको आप एक बार वापस पढ़ लेना, इसके बाद कुछ भी नहीं आना है। फ्रॉड होता क्या है, तो देखिए कोई इंटेंशनली कोई एक्ट करता है सामने वाले को नुकसान पहुँचाने के लिए और खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। ऑडिट देखिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बताओ जवाब दें, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी,
मैनेजमेंट की होगी, ऑडिटर की सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों देखिए मैनेजमेंट की, क्यों मैनेजमेंट ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, उसी की जिम्मेदारी है क्या कोई फ्रॉड एरर ना हो। तो इसीलिए वो क्या करता है, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स लगाता है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है बताओ, अगर मान लो ऑडिटर ने ऑडिट किया और वहाँ फ्रॉड निकल गया, ऑडिटर क्या जिम्मेदारी है, क्या वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करे, यानी वो क्या करे, रीजनेबल अश्योरेंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। मैं उल्टा चल रहा हूँ, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसको ऑडिट एविडेंस, एविडेंस के लिए उसको ऑडिट प्रोसीजर, और प्रोसीजर के लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग। अब सीधा ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो ऑडिट को प्रॉपर प्लान करे, फिर उसको प्रॉपरली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, मतलब सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, और अपना कंक्लूजन दे। अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 में जो हमने पढ़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उससे वो साबित कर देता है कि उसने ऑडिट को प्रॉपरली प्लान किया था, परफॉर्म किया था, एविडेंस ऑब्टेन किए थे सफिशियंट अप्रोप्रिएट, और फिर अपना निष्कर्ष दिया था, तो ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इनमें अगर वो लापरवाही करता है, प्रॉपरली प्लान नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं, तो फिर ऑडिटर भी जिम्मेदार होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अब ये ऑडिटर कुछ भी करके फ्रॉड को क्या कभी जीरो पे ला सकता है, 0% की फ्रॉड बिल्कुल है ही नहीं, एकदम फ्री है। तो हमने बार बार पढ़ा है ऑडिट की क्या होती है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, कुछ सीमाएं होती है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर। देखिए ऑडिट के पास, ऑडिटर के पास सीमित समय होता है, 2-3 महीने में उसको ऑडिट, साल भर जो काम हुए ट्रांजैक्शन में, क्या 3 महीने में पूरा चेक करना पॉसिबल है। लिमिटेड कॉस्ट, उसको सीमित फीस दी जाती है। वो ऐसा नहीं 100 लोगों की पूरी टीम ला के एक एक चीज़ को चेक कर रहा है, पूरी टीम लगा के ऐसा नहीं कर सकता, उसको एक लिमिटेड कॉस्ट में उस काम को करना होता है। दूसरा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर है वही ऐसा है कि उसमें कुछ रिस्क हमेशा रहती है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप देखते हो कई बार एस्टिमेट्स यूज होते हैं, जितने भी प्रोविजन बनते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी या और भी कोई रिजर्व्स या इस तरह की, जो एस्टिमेट पे बेस्ड होता है। डेप्रिसिएशन, आपने यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट किया है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आपने एस्टिमेट किया है कि 5% हो सकते हैं। अब बताओ जो एस्टिमेट है उसको क्या कोई सर्टिफाई कर सकता है कि ये 5% ही होगा, नहीं कर सकता। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खुद कई बार एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें एस्टिमेटेड होती है। तो क्या ऑडिटर उनको 100% सर्टिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हमेशा कुछ चांसेस वहाँ रहते हैं क्या होने के, गड़बड़ होने के। ओके नेक्स्ट, और क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट। ऑडिट का भी नेचर ऐसा होता है कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं होती, ऑडिटर हमेशा सब कुछ सही मान के चलता है, वो वॉच डॉग की तरह काम करता है। क्या होता है वॉच डॉग, मतलब सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो उसको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं उनका नेचर भी ऐसा होता है कि वो अपने आप में कंक्लूसिव नहीं होते हैं। देखिए एक तो होता है जैसे कोई खून हुआ, आपने सीधा फिंगरप्रिंट उठाए, वहाँ से DNA टेस्ट वेस्ट लिया, अपराधी को पकड़ा, उस दोनों को मैच कर दिया, ख़त्म। क्या ऑडिटर इस तरह के एविडेंस ऑब्टेन करता है, नहीं। ऑडिटर तो ज़्यादातर मैनेजमेंट की दी हुई इन्फॉर्मेशन पे ही भरोसा करता है। मतलब आप जिसकी ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने बनाया, उनसे ही पूछ रहे हो कि बताओ ये सही है नहीं, उनसे ही कन्फर्मेशन ले रहे हो, तो हमेशा रिस्क रहती है। जो ऑडिट का नेचर है, एविडेंसेस का नेचर है, वो इस तरीके का होता है कि वहाँ इनहेरेंट लिमिटेशन रहती ही है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही। फिर ये एक चीज़ है एग्जाम्पल जो इंडिकेट करते हो फ्रॉड, मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, इनको आप ज़रूर पढ़ें। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है क्या फ्रॉड है। कोई अनऑथोराइज बैलेंस है, कोई ट्रांजेक्शन है, लास्ट मिनट पे एडजस्टमेंट हुए, इसका मतलब 100% गड़बड़ है कुछ न कुछ, ठीक है। कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, ऐसे 250 नाम सुनिए, कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के अंदर लॉ और रेगुलेशन का कंसीडरेशन, की जो भी कंपनी के ऊपर लॉ और रेगुलेशन लग रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अब
आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए क्या, कि ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो उसको ये लॉ एंड रेगुलेशन कानून कायदे क्यों देखने, कंपनी फॉलो कर रही है भले मत करे हमें क्या। तो इस यही सवाल मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इसका जवाब। तो लॉ एंड रेगुलेशन जो एक कंपनी पर लगते हैं सबके लिए ऑडिटर को चेकिंग नहीं करनी है, सबको दो पार्ट में बांट दीजिए। एक तो ऐसे जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करते हो, किसको प्रभावित करते हो, फाइनेंशियल मतलब उनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई आइटम तय हो रहा है, कोई अमाउंट आ रहा है, एक तो वो उनके लिए ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब उनके लिए पूरी प्लानिंग करनी है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पूरा काम करना, जो नॉर्मल काम करते हो आप चेकिंग का सारा, जो ऑडिटर अधिकतम कर सकता है, और जो बाकी अदर रॉ एंड रेगुलेशन है उनके लिए आपको कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो वही है, देखिए ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करे, परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर, अलर्ट रहे कि कहीं अगर कोई नॉन कंप्लायंस दिख रही है तो उसको रिपोर्ट करे। ओके, ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, अगर उसको एविडेंस मिल जाता है कि नॉन कंप्लायंस हो रही है तो वो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा, या उसको लिमिटेशन है इसके स्कोप, उसको प्रॉपर चेक करने ही नहीं दिया गया तो फिर डिस्क्लेमर देगा। ओके, ये हम ओपिनियन में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के ओपिनियन होते हैं। नेक्स्ट, मतलब बड़ी सीमित जिम्मेदारी है लॉ एंड रेगुलेशन को लेके। ओके, नेक्स्ट 260 कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस। अब इस पर कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर और 265 के अंदर, तो ध्यान रखना ये बात कर रहा है जनरल कम्युनिकेशन की, किसके साथ, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। जनरल कम्युनिकेशन यानी साधारणतः उसको जो ऑडिटर को कम्युनिकेशन करना है पूरी ऑडिट के दौरान दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, एक टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होता है, मतलब वो भी बताएगा, वो भी जानकारी बताएंगे, ये ऑडिट ये ऐसे उसकी बात करता है। ठीक है, ऑडिटर की उसको क्या क्या बताना है, देखो जैसे ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी बताएगा कि भाई हमारा काम है इस तरीके से प्लानिंग करना, परफॉर्म करना, एविडेंस ऑब्टेन करना। दूसरा, वो अपना स्कोप बताएगा कि मैं ये सारी चीज़ें चेक करूँगा, ये मेरी टाइमिंग रहेगी ऑडिट की, और ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी ज़रूरी चीज़ें मिल रही है वो भी उसको टाइमली बताएगा। जैसे जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज है कंपनी की उसके बारे में कोई क्वालिटेटिव आस्पेक्ट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लगता है फीफो नहीं, वेटेड एवरेज होना चाहिए, इस तरह का क्वालिटेटिव चीज़। नेक्स्ट, कोई डिफ़िकल्टी उसको मिल रही है तो, फिर कोई मटेरियल वीकनेस है किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स में तो, या कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो पेंडिंग है, कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऑडिटर कई बार मैनेजमेंट से रिटर्न में कुछ मांगता है कन्फर्मेशन, उसको बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 पढ़ेंगे इसके ऊपर डिटेल में। ओके, अब कैसे करना है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई टाइमली बेसिस पे, और टू वे कम्यू दोनों तरफ से होना चाहिए। 265 क्या है, ये बड़ी स्पेसिफिक बात करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल्स जो आंतरिक सुरक्षा चक्र है उसकी जो डेफिशिएंसी है, मतलब उसमें जो कमियां दिख रही है उनको टाइमली कम्युनिकेट करना, किसको, दो चार्ज विद गवर्नेंस को। अब इंटरनल कंट्रोल्स की कमियां क्या होती है बताओ, तो ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल्स का एक ही काम होता है क्या, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना, ठीक है, और डिटेक्ट एंड करेक्ट, सही करना। देखिए किसको, मिस स्टेटमेंट को, कोई फ्रॉड या एरर की वजह से जो हो रहा है उसको या तो रोकना, होने ही नहीं देना, अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, ढूंढना और करेक्ट करना ताकि दोबारा ना हो। ये किसी भी इंटरनल कंट्रोल का काम होता है। देख कैमरा क्यों लगाते हो आप, एक तो चोरी हो ही नहीं, अगर हो तो चोर को पकड़े और अगली बार से अपन ध्यान रख सके, ठीक है ना। अगर ये काम नहीं कर पा रहा है वो कैमरा तो हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल फेल हो रहा है, उसमें कमी है कहीं ना कहीं, कैमरा इस तरह घूम गया, वहाँ से जहाँ गेट है वहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये डेफिशिएंसी है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये अगर कोई कमी है तो वो क्या बताएगा, दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताएगा ऑडिटर, किसके थ्रू, लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं, जो लेटर लिखता है उसको लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लेटर ऑफ वीकनेस लिखेगा इसमें ऑडिटर ये भी बोलेगा कि जो ऑडिटर का काम है वो क्या है,
ओपिनियन देना है, ठीक है। लेकिन ये ओपिनियन देने के लिए उसको क्या करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने पड़ते हैं। सुनना बात ध्यान से मेरी शब्दों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़े हैं, सारे वो चेक नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, क्या करता है, एरियाज को बांट देता है, एक जहां रिस्क ज़्यादा, एक जहां रिस्क कम, ताकि ज़्यादा रिस्क वाले को ज़्यादा चेक करेंगे, कम वाले को कम करेंगे। अब ये करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा करना पड़ता है। कंट्रोल्स देखेगा भाई, यहाँ कंट्रोल्स अच्छे हैं मतलब यहाँ रिस्क कम है, यहाँ कंट्रोल्स ख़राब है मतलब रिस्क ज़्यादा है, तो वो यहाँ ज़्यादा टाइम देगा। तो उसका काम का नेचर ऐसा है कि उसको इंटरनल कंट्रोल्स को देखना पड़ता है, और इस दौरान हमें जो जो कमियाँ मिली वो हम आपको बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सारे कंट्रोल्स चेक किए, और भी कमियाँ हो सकती हैं, हमें तो जो हमें मिले वो हम बता रहे हैं, ये रिपोर्ट में वो लिखेगा। ओके, नेक्स्ट 299 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। इस पर क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा, कि दो तरह के जॉइंट ऑडिटर क्या होते हैं। पहले तो एक ही ऑडिट के लिए एक ही एंगेजमेंट के लिए एक से ज़्यादा ऑडिटर, ध्यान रखना, हेड ऑफिस का अलग, ब्रांच का अलग, इनको जॉइंट ऑडिटर नहीं बोलेंगे। हेड ऑफिस के ही दो, ए और बी, ये दोनों क्या होंगे, जॉइंट ऑडिटर। अब इनमें जॉइंट ऑडिटर में क्या होता है, ये इंडिविजुअली यानी सेवरली खुद से पर्सनली भी जिम्मेदार होते हैं और जॉइंटली भी लाइबल होते हैं। तो ये कब किसके लिए लाइबल है बताओ, सिंपली देखिए, जो काम दोनों में बांट दिया, मान लो दो ब्रांच है इस कंपनी की, एक इसने रख ली ए ने, दूसरी बी ने रख ली। अब ए में गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, ए ही होगा, बी में होगी तो बी होगा। क्या ए वाले के लिए वो बी वाला ऑडिटर जिम्मेदार हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो काम डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए तो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल, और जो काम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मतलब जैसे ओपिनियन देना, ये तो दोनों मिलके देंगे तो उसके लिए दोनों लाइबल होंगे। या कोई ऐसा मैटर जो भले डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब ए को दिया हुआ था, लेकिन उस पर बी, ए को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने बी से कंसल्ट किया, राय दी बी ने अपनी, तो अब वो बी भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट दी जाती है वो दोनों मिलके देते हैं, अगर दोनों के ओपिनियन में फ़र्क है तो दोनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट देंगे। ऐसे नहीं बहुमत, तीन लोग हैं, तीन में से दो ने कह दिया ठीक है मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, तीसरा अलग रिपोर्ट दे सकता है। जनरली कोशिश करते हैं ये कंबाइंड रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट देते हैं। ओके, मतलब मेजोरिटी का रूल यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। ओके, ऐसे 200 सीरीज क्लियर है, मैं आपको वापस से बताना चाहूँगा, ऐसे 200 सीरीज में हमने पहला ऐसे पढ़ा, ऐसे 200 क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 210 एग्रींग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट इंगेजमेंट की शर्तों को एग्री करना। 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 240 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके, फ्रॉड को लेके। 250 किसको लेके था बताओ, लॉ एंड रेगुलेशन को लेके। 260 कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस। 265 इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी, किसको कम्युनिकेट करना, दो चार्ज विद गवर्नेंस। और 299 जॉइंट ऑडिटर्स, भूलोगे नहीं, उल्टा पढ़ लो, जॉइंट ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी, कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, लॉ एंड रेगुलेशन, फ्रॉड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे 300 सीरीज बड़ी सिंपल है, ये प्लानिंग और उसकी बात करता है, किसकी, इंटरनल कंट्रोल्स, प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट की बात करता है। तो सबसे पहले बोला गया ऐसे 300 बोलता है ऑडिट को क्या करना है, प्रॉपरली प्लान करना है, ठीक है, और एक ऑडिट प्लान बनाना है, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर पूरा इंगेजमेंट और उसका स्कोप, स्ट्रेटेजी मतलब बड़ी होती है, प्लान बड़ा स्पेसिफिक होता है, मतलब पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे आप कि मुझे पढ़ना है, जीवन में ये लक्ष्य है मेरा आईएएस बनना है, उसके लिए मुझे एक साल लगेगा, दो साल बन लगेगा, मैं इस तरीके से चलूँगा जीवन में, ये आपकी स्ट्रेटेजी। अब प्लान जब आप दिल्ली जाके बैठ जाओगे आईएएस की तैयारी में, तब वहाँ डिटेल में प्लान बनाओगे, तो प्लान जो है वो ज़्यादा डिटेल होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना, जिसमें क्या देखेगा वो इंगेजमेंट और उसके स्कोप को देखेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट किस तरह की देनी है, तीसरा
किस तरह के उसको संसाधन चाहिएंगे, कितना स्टाफ, क्या एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें क्या चाहिएगी, ये उसने स्ट्रेटेजी बना ली। अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर बेस्ड एक डेवलप करेगा प्लान। ठीक है, प्लान में क्या होगा देखना, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तय करेगा, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर, अभी बात करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स नहीं है, देखिए ये चेंज होती रहती है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। जो प्लान है वो भी चेंज हो सकता है, अगर कोई ऐसा इवेंट आ गया ऑडिट के दौरान, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो उससे प्लान को आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट होती रहती है समय समय पे। ओके, चलिए नेक्स्ट 315 ऐसे, बड़ा इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये अपने आप में दो चैप्टर कवर करता है, सुनना ध्यान से। ऑडिटर को क्या करना है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, फिर इस पे आते हैं। ये मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बताऊँ। देखिए ये ऑडिट है, अब ऑडिटर को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो ऑडिटर क्या करता है, रिस्क असेसमेंट करता है। क्या करता है, रिस्क असेसमेंट, ताकि वो क्या कर सके, हाई रिस्क वाले एरियाज को अलग कर सके और लो रिस्क वाले एरियाज को अलग कर सके। हाई रिस्क मतलब यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ वो अपना टाइम और जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा लगाएगा, यहाँ रिस्क कम है तो अपने संसाधन समय कम लगाएगा। अब ये जो गतिविधि वो कर रहा है ना रिस्क असेसमेंट की, क्यों कर रहा है, ताकि वो ऑडिट को समय पे कंप्लीट कर पाए, प्लस रीजनेबल अश्योरेंस दे सके। अगर ये नहीं करता, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल एकदम अनजान की तरह पहली लाइन से शुरू करता, सबको बराबर टाइम देता, तो हो सकता है समय पे ऑडिट पूरी भी नहीं कर पाए, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया रह भी जाए। ठीक है, तो इस वजह से रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एक ज़रूरी पार्ट होता है। तो यहाँ ये जो ऐसे हैं ये क्या बात कर रहा है, देखिए आइडेंटिफाई एंड असेसिंग, आइडेंटिफाई करना और असेस करना, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है, ऑडिटर के आने से पहले ही रिस्क कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी गड़बड़ हो सकती है, कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अब बताओ ऑडिटर कैसे समझेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, समझना बात ध्यान से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमने कहा था दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट का मतलब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है उसके अंदर इनहेरेंटली कितनी रिस्क है, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना लगाया जाए। तो कंट्रोल रिस्क का मतलब था उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी गड़बड़ होने के कितने चांसेस है, इसको बोलते हैं क्या, कंट्रोल रिस्क। अब देखिए आपको अगर इनहेरेंट रिस्क का अनुमान लगाना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, ऑडिट को ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 50 आइटम है, किस किस आइटम में कितनी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर को देखना है इसमें गड़बड़ होने के कितने कितने चांसेज है, ताकि मैं अपना डिटेक्शन रिस्क, ताकि मैं सुनना ध्यान से, ताकि मैं अपना डिटेक्शन रिस्क क्या कर सकूँ, तय कर सकूँ। देखिए कहीं अगर हाई है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो वो डिटेक्शन रिस्क क्या रखेगा, लो रखेगा, मतलब ये चांस कि उससे कुछ मिस हो जाए वो क्या रखना चाहेगा, बहुत कम रखना चाहेगा। वहीं अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसा है, लो है, मतलब गड़बड़ होने के चांसेस ना के बराबर है, तो वो इस रिस्क को क्या कर सकता है, हाई छोड़ सकता है, मतलब चेकिंग नहीं भी करेगा, उससे कोई छूट भी जाएगा, ये रिस्क हाई है तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिस्क कैसी है, लो है रिस्क, वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस क्या है, कम है, तो वो डिटेक्शन रिस्क अपनी तय कर सके, इसलिए उसको क्या तय करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। और ये तय करने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क।
इनहेरेंट रिस्क वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो एंटिटी है उसका नेचर कैसा है, उस पर कौन से लॉ एंड रेगुलेशन रखते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, सारे आइटम्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेगा, तब उसको इनहेरेंट रिस्क पता चलेगी, अच्छा कहाँ कहाँ खतरे हैं, कहाँ कहाँ एरियाज में। फिर कंट्रोल्स रिस्क कैसे देखेगा, तो उसके लिए उसको क्या देखने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा। जब ये दोनों को चेक कर लेगा तो वो ये पता लगा पाएगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है। अब सुनना बात दोबारा से, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, क्या करना रिस्क ऑफ मटेरियल कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, एंटिटी को समझने से इनहेरेंट रिस्क पता चलेगी, उसके एनवायरनमेंट को समझने से और उसके कंट्रोल को समझने से, कंट्रोल रिस्क, ताकि दोनों को मिला के हम क्या समझ सके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है रिक्वायरमेंट, क्या करना है, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो हमने अभी गतिविधि बताई ना मैंने, कि एंटिटी को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहलाता है, ताकि वो रिस्क का असेसमेंट कर पाए। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना जहाँ ज़रूरत पड़े, पूछताछ। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी दो इन्फॉर्मेशन में आपस में तालमेल बिठाना, कोई रिलेशन बिठाना, रेशियो एनालिसिस भी कह सकते हो इसको, ठीक है, कि भाई लास्ट ईयर इतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट था, इस साल इतना है, टर्नओवर रेशियो इतना था, इस साल इतना है, अलग अलग रेशियोज के जरिए एनालाइज करना दो इन्फॉर्मेशन को। अब एक सवाल आता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, या इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब ये रेशियो एनालिसिस आप ऑडिट के शुरुआत में मतलब रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी कर सकते हो, ये देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मली हाई रेशियो आ रहा है, मान लो जैसे एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, लास्ट ईयर 2% थी, 10% है, तो आपने रेशियो एनालिसिस ये रेशियो देखा, लास्ट ईयर को कंपेयर किया, तभी पता चला, तो आपको पता चल सकती है कि यहाँ रिस्क कुछ ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट आइटम है, तो रिस्क असेसमेंट के टाइम भी काम आता है, जब एक्चुअल ऑडिट करते हैं फर तब भी काम आता है, और जब फाइनल कंक्लूजन देता है ऑडिटर तब भी ये काम आता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि एनालिटिकल प्रोसीजर तीनों स्टेज पे काम आता है, शुरुआत में, ऑडिट के दौरान और कंक्लूजन के टाइम पे। ओके, फिर ऑडिटर ये देख सकता है एंटिटी खुद कैसे रिस्क असेसमेंट कर सकती है, कैसे समझेगा, तो हमने देख लीजिए आप सेल्फ स्टडी के, ये तो इंडस्ट्री देखेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखेगा, एंटिटी का नेचर कैसा है, उसका ऑपरेशन ओनरशिप कैसा है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे फाइनेंस है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें कोई चेंजेज, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटेजीज क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इससे वो क्या समझेगा, इनहेरेंट रिस्क प्लस इंटरनल कंट्रोल्स देख के वो कंट्रोल रिस्क, और दोनों मिला के वो क्या देखेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करेगा। ओके, ये इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, चलिए।